वो डॉक्टर साहब का नंबर? वो एक्चुअली मेरा फोन ऊपर है। मैं आप प्लीज बैठिए ना, मैं फोन लेके आता हूँ। नंबर 9820280882। नंबर तो कवरेज एरिया ही में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूंगी। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ। अरे नहीं, मुझे उनका नंबर मिल गया ना, मैं ट्राई कर लूंगी। थोड़ा रुक के, वो एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर साहब के साथ मेरी लैब के लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए मेरा उनके साथ अग्रीमेंट होना था और वो मुझे कल ही सबमिट करना है। मैं भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, डॉक्यूमेंट पर साइन लेना भूल गई, तो वही लेने आई थी। ओ डैड तो कल आएंगे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था डील क्लोज हो जाती तो अच्छा रहता, इसीलिए मैं क्लिनिक से भाग भाग के आई, पर रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी कि मैं पूरी भीग गई। अब मैं आपको टाल देता हूँ। थैंक यू। वो टाल, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सॉरी। नो इट्स ओके। मुझे लगा आज मेरा काम हो जाएगा, पर माय बैड लक, ना डॉक्टर साहब घर पे हैं, ना डील क्लोज होगी। अब देखो कब वो आते हैं और कब मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। वैसे मैं तुम्हारा नाम तो पूछना ही भूल गई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वो मोक्ष दे दिया। किसे दे दिया, कहाँ दे दिया? वो तुम्हारा नाम है ना मोक्ष दे दिया, तो किसे मोक्ष दे दिया? ओके देखो कैसी सूखू, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। हाँ आपको आई थिंक कपड़े ही उतारने होंगे। क्या? नहीं नो, मेरा मतलब है कि आप मेरे मॉम के कपड़े पहन सकते हो, तब तक तक ही आप कपड़े उतार के आयन कर करने के लिए। मैं आयन कर दूंगा इसको। नाइस जोक। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ इधर। हाँ ये प्लीज। ओके
मोक्ष सॉरी वो मैं कुछ सोच रहा था। ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती है मोक्ष, क्योंकि सोच ही जज्बात बन जाते हैं और जज्बात अल्फाज, अल्फाज फिर हरकत बन जाती है, फिर हरकत आदत। इसलिए ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने ये डैड के कपड़े पहन लिए? हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मुझे लगा साड़ी बस थोड़ी देर में सूख जाएगी तो मैं इसे ही पहन के निकल जाऊंगी। और वैसे भी आई नो वुमन, उनके कपड़े और लफड़े पे नज़र डालोगे ना तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। और तुमने मुझे वैसे ही बहुत हेल्प किया है, मैं तुम्हें और प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। यू आर अ वेरी गुड बॉय, इसीलिए मैंने पहन लिया। और ये साड़ी सूख जाएगी, मैं यही पहन लूँगी, ठीक किया ना मैंने? हाँ सही है। क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, अब तो बहुत खूबसूरत, मतलब अब आप एज इन बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा, हाँ। ये साड़ी कितनी देर में सूख जाएगी? लो ना प्लीज, मुझे निकलना होगा। ये तो बहुत ही गीली है। हाँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऊपर वाले कमरे में इसको सुखाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, 10-15 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट इतना टाइम तो है मेरे पास। मैं वहाँ बैठूँ? प्लीज प्लीज, मैं ही सुखा देता हूँ। आपके कपड़े तो अभी सूख रहे, आप तब तक कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी, जूस? अरे नहीं नहीं मोक्ष, ठीक है, तुमने ऐसी मेरे लिए इतनी मेहनत कर दी, आओ बैठो ना। अरे नहीं, आप बताओ ना, आप जूस पीते हो? नहीं प्लीज सिट, नो। आप जूस पियोगे? हाँ। ये जूस। थैंक यू, लेट्स टेक सेल्फी, दिस इज जूस टाइम। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे सेल्फी लेने की बहुत आदत है तो इसलिए मैं सेल्फी लेने लग गई। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, एक्चुअली मुझे भी काफ़ी आदत है, मेरे फ्रेंड्स मुझे सेल्फी किंग कहते हैं। हाँ सो आई अंडरस्टैंड, तो आओ फिर साथ में एक सेल्फी लेते हैं। ओके आओ।